केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खोदा पहाड़ निकली चूहिया की संज्ञा दी है। रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुड्डा ने कहा कि आम जनता को राहत देने वाले बजट की उम्मीद थी, लेकिन ये बजट उम्मीदों से परे है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के इस बजट से आम जनता को राहत नहीं मिली है, क्योंकि इस बजट में गरीब, किसान और आम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। बजट केंद्रीय सरकार ने पेश किया है, वो बजट बिल्कुल नीरस, निराशाजनक और जो उम्मीद थी कि गरीब आदमी को और मिडिल क्लास को कुछ मदद देगा, परचेजिंग पावर बढ़ाएगा ताकि सर्कुलेशन बढ़े, लोगों की खरीदने की क्षमता हो, ऐसा कोई नज़र नहीं आया। बल्कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं उनमें बल्कि डिक्रीज गया, ख़ास तौर पे जैसे आपका किसान की जो है इनपुट कॉस्ट लागत बढ़ा दी गई ज़बरदस्ती, जैसे फर्टिलाइज़र की सब्सिडी कम कर दी, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, उस पर टैक्स लगा दिया, लेकिन किसान को दिया कुछ नहीं। बल्कि 10,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री किसान योजना थी उसमें बजट की एलोकेशन कम की है, और एग्रीकल्चर अलाइड में कोई मतलब इन्फ्लेशन है उसकी भी उतनी बढ़ोतरी, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। आप अलग अलग सेक्टरों में मैं बताऊं आपको जो इनकी है, जैसे सोशल वेलफेयर है उसमें 10% की डिक्रीज है, रूरल डेवलपमेंट में 10% की डिक्रीज है पिछले साल के मुकाबले में, और फर्टिलाइज़र की तो आपने बताई थी मैंने 40% डिक्रीज है सब्सिडी में, जैसे पिछली बार 1,33,987 करोड़ की थी, अब के कुल 79,530 करोड़ रुपये की रहेगी, तो 40% जो है वो डिक्रीज हुआ है। इसी तरह मैंने कहा जो ये आपकी एग्रीकल्चर एलाइड है उसमें मैंने आपको बताया, उसमें भी कोई नहीं, जो उम्मीद थी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है इसमें, किसान के लिए कुछ नहीं है और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। स्लैब और स्लैब जो है हाँ, जो स्लैब जो आम आदमी कह रहा था भाई इनकम टैक्स की बढ़ोतरी होगी 2.5 से 5 होगा, वो कोई नहीं, वो सिर्फ एक वो उन्होंने किया उतने का उतना रखा है, 10% से 7.5% तक 15% ऐसे उन्होंने रखा है, लेकिन जो आम जो है 2.5 लाख की जो उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, टैक्स की एग्जम्पशन की जो उम्मीद थी वो भी नहीं, तो किसी भी वर्ग में ये नहीं है। वो कहते हैं ना खोदा पार निकली चुहिया, जो उम्मीद थी बजट से, तो बड़ी बड़ी क्लेम करे जाते थे कि बहुत अच्छा बजट आएगा कोरोना काल में, केवल इवन जो स्वास्थ्य हेल्थ है हेल्थ में भी वो बजट की कोई इंक्रीज नहीं है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा, जो कि अब बहुत ज़्यादा जरूरत थी कोरोना की वजह से हेल्थ में बजट में, तो ओवरऑल ये बिल्कुल निराशाजनक और निरस और आंकड़ों का खेल है। उधर इस मौके पर हुड्डा ने बजट से अपनी उम्मीदों को भी खुलकर जाहिर किया। उन्होंने कहा कि बजट से उम्मीद ये थी कि किसान और गरीबों को राहत मिलेगी, लेकिन जैसा बजट आया है कि वो निराशाजनक है। हमारे को उम्मीद थी किसान को बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, गरीब आदमी आम आदमी के जो है ना ऐसी स्कीम देंगे जब पैसा उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, जैसे मनरेगा में बहुत इंक्रीज करेंगे, मनरेगा का रेट बढ़ाएंगे ताकि आम आदमी के हाथ में परचेजिंग पावर आए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट क्या, और बल्कि जो प्रॉफिट मेकिंग वो है जैसे लाइफ इंश्योरेंस है, दूसरी इंश्योरेंस है, उनको FDI में दे दिया, उनको तो मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल दिया, जो प्रॉफिट मेकिंग वो थी, तो ये मतलब कोई ऐसा कदम नहीं है जो हम सराह सकें, सिर्फ एक भाई वन नेशन वन राशन के सिवाय कोई ऐसा कदम नहीं है जिसको हम इसकी सराहना कर सकें। सर, किसान आंदोलन का असर भी इस बजट में देखने को मिला, सरकार ने ये कहा कि APMC के लिए भी वो अलग से फंड रेज कर रहे हैं, और इसके अलावा ये कहा गया है कि MSP की में MSP जो लागत मूल्य है उसका 1.5 गुना तक हम MSP देने का प्रयास कर नहीं, इनका वायदा था C2 पे 1.5 गुना का, इन्फ्लेशन बढ़ गई,
उसको उनको मैं बता रहा हूँ, बल्कि लागत बढ़ा दी, लागत बढ़ा दी भाई आपने, फर्टिलाइजर की सब्सिडी ख़त्म कर दी, डीजल में इतना भाव बढ़ा दिया, पेस्टिसाइड्स में बढ़ गया, लागत बढ़ गई आपने, तो घटी है किसान की, बढ़ाने की तरफ कोई कदम नहीं उठा। नहीं, किसान किसान जो बैठे हुए हैं धरने पर, तो कहीं ना कहीं उनको रिझाने का एक प्रयास हम कह सकते हैं, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, तो APMC पे भी सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है और MSP को भी लेकर के प्रावधान रखा है। APMC तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट करते हैं, एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करता है, सेंट्रल कोई मतलब नहीं उससे, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एडिड स्कीम होती है उसमें कोई होगा, उसमें भी कोई इंक्रीज नहीं आया है सेंट्रल एडिड स्कीम में भी, और हरियाणा में तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है APMC का, तो या तो ये इसमें कानून अपने वापस लेते, लेकिन कुछ भी कदम ऐसा नहीं दर्शाया गया बजट में जो किसान। बता दें कि केंद्र सरकार के आम बजट पर भाजपा के नेता और सरकार तारीफों के पुल बांध रही हैं, लेकिन विपक्ष लगातार बजट को निराशाजनक बता रहा है। सरकार का कहना है कि आम बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है और आने वाले दिनों में इसका लाभ भी आम जन होगा, लेकिन हुड्डा की माने तो इस बजट से जितनी उम्मीदें थी वो तमाम उम्मीदें टूट गई है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV।